मौसा जी नमस्ते। ये रही हमारी मौसी। गाय जो दिल में नहीं होता कि आप जाओ अपने मायके और लड़की को ऐसे साइड करते हैं, बच्चा लेके भाग जाते हैं। मेरे साथ आज ये पहली बार हुआ है, मेरा बच्चा लेके चले गए और मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये लोग ये सोच रहे हैं किसका हाथ पकड़ेगी, दोनों ने अपनी उंगली दे रखी है। भगवान करे क्रिकेट जो है दुनिया से खत्म हो जाए। आईपीएल का फाइनल है। अरे काहे का आईपीएल, पैसा देते थे मुझे आईपीएल। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज अगम जारू व्लॉग्स। और आज जो है आज हम जा रहे हैं कृषा के मामा के घर पे। मेरे भाई जो है मुझे बहुत टाइम से बुला रहे थे, मतलब कृषा जब से हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बट कृषा जब से हुई है तब से भाई कह रहे थे एक बार इसको लेके आ जाए। फिर प्रोग्राम तो अगले संडे का था बट फिर किसी रीज़न से हम अगले संडे नहीं जा पाते, तो हमने सोचा चलो अभी जितना टाइम है उतने में हुआते हैं। और बहुत एक्साइटेड है क्योंकि भाई की भी दो बेटियाँ हैं और बेटियों से उनका एक अलग ही लगाव है जो मुझे दिखता है। भाई भाभी भी वर्किंग है, हम दोनों भी वर्किंग है, तो ये होता है कि दोनों को ही टाइम नहीं मिल पाता है। तो हमने सोचा जो बेस्ट टाइम मिले। अनु बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा बिजी थे और अभी भी उनकी मीटिंग थी। तो ये देखो ये लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पर मेरे इन बिटवीन। उन लोगों की अनूप की मीटिंग थी तो मैंने तो हम ही तीनों जा रहे थे, मम्मी मैं और कृष्णा, बट मुझे लगा कि जब तक हम वापस आएंगे तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा, अभी 8 बज चुके हैं। तो फिर मुझे लगा कि समझदारी नहीं, मतलब मैं ही ड्राइव करके जा रही थी बट मुझे लगा अभी चले तो जाएंगे बट आते हुए थोड़ा लेट हो सकता है, तो अनूप को चलना चाहिए साथ में। तो मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पे बोला उनको और वो गेट बंद करके तैयार हो रहे हैं। चलना बोला ये पहन लो। हाँ बेबी ये भी ठीक है, बेबी आप बहुत हैंडसम लग रहे हो वैसे, चलो ना। चलो ये पहन लेता अब पता चला जब भुए जब बाहर निकलती है तो पूरा घर का जो है सामग्री देख के निकलती है। तो घर में खाना जो है सेट है, सब कुछ खाना बना हुआ है लेकिन बस रोटियां बनानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सेट करके जा रहे हैं। ये पलक कृषा को पलक बुलाती हूँ, पलक को कृषा बुलाती हूँ, ये हो गया है मेरे साथ। ये कृषा की कंघी डाल दे उसके बैग में। अरे ये इतनी मेहनत से मिली है ना, पता नहीं कहाँ गायब होगी। हाँ एक कंघी और मंगा लेते क्योंकि बार बार ये मौके पे गायब होती है इसकी कंघी, बिल्कुल मौके पे। वैसे बोलो ये बहुएं ही जानती है, पापा का ना फोन खराब है। मटर छीलना फोन पे। तुम लोग मटर छीलते हो आजकल के आदमी लोग। पापा का फोन पिछले एक महीने से खराब पड़ा, मैं रोज याद दिलाती हूँ इनको कि प्लीज शाम को जाके फोन लेते आना नया फोन, क्योंकि वो ना टच स्क्रीन यूज नहीं करते हैं। जितना कम फोन होगा उतना कम चुगली होगी, समझ में आएगी। मतलब वो ना वो यूज नहीं करते हैं टच स्क्रीन वाला, मेरा मन था वो दिला दूं ताकि वीडियो कॉल हो जाए जब भी पापा मम्मी गांव जाए, लेकिन वो कह रहे नहीं मुझे कीपैड वाला ही चाहिए। तो मैं रोज याद दिलाती हूँ, अब जा रहे हैं वो लेने के लिए फोन और मैं लेकर ही आऊंगी, साथ साथ वो भी ले लूंगी और उसके बाद ही भाई के घर जाएंगे। मम्मी को देखो एक्साइटमेंट देखो, कैसे तकड़ 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 चलती फिर रही हैं, इनका बड़ा मन था जाने का। कुछ नहीं चलो बढ़िया, तो कहीं सुन लेते हैं डिक चिक। लंदन ठुमकता है यार। अनूप का फेवरेट स्टेशन 92.7 और हम हटाते हैं वही लगाता है। वादा तो निभा लिया ओ मेरे राजा, तेरा बहाना वही पुराना। क्या आपको भी पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, बताओ आपको पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है? तुम उन लोगों में से हो जो रुमाल के अंदर एड्रेस भर के सुनते होंगे इस स्मेल में। ये है कृषा के मामा। ओहो भाई हम ना गाड़ी लॉक करना भूल गए। ये तो वही वाला हो गया कि पूछा ही नहीं, जो जो पीछे के लोग हैं उनको पूछा ही नहीं। मौसा जी नमस्ते, आप तो आए नहीं थे मिलवाने, आप तो मिलने आए नहीं थे तो हम मिलाने ले आए भाई। तो गाइस ये मेरे मौसा जी और मैं मिलवाती हूँ आपको हमारी मौसी से। ये रही हमारी मौसी जीजा हंसाली। तो मम्मी पूछ रही है क्या राज है, ये आपने क्या दाढ़ी, बट मौसा जी अच्छे लग रहे हो, मस्त लुक लग रहा है। ये क्या हो गया इसको, ये सो के बच्चे ऐसे उठते हैं? तो पहली बार मिल रहे हैं कृष्ण नानू।
नानू भाई तो लग रहा है छोड़ने नहीं वाले। किशु को मौसी दिखा दो। किशु नानी, किशु नानी, वो देखो देखो देखो, वो देखो नानी। गाइस जो रील में नहीं होता कि आप जाओ अपने मायके और लड़की को ऐसे साइड करते हैं, बच्चा लेके भाग जाते हैं। मेरे साथ आज ये पहली बार हुआ है, मेरा बच्चा लेके चले गए और मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। कृषा की बड़ी दीदी है, कृषा की छोटी दीदी, और ये छोटी दीदी जो है अभी अभी सो के उठी हैं। इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने इस दुनिया में वापस आने में। व्लॉगिंग करते हैं और इनके चैनल का नाम है त्रिहाना व्लॉग्स। त्रिहाना इज द्री फॉर दृष्टि, आहाना फॉर आहाना, इट्स त्रिहाना व्लॉग्स। जिसमें शिकायत भाई की ये है कि इनकी व्लॉगिंग में इनके पत्नी और बच्चे जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। भाई अकेले मेहनत कर रहे हैं। गाइस प्लीज सपोर्ट, सिंपथी के साथ जो है सपोर्ट। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। पेप्सी के साथ चाहने के कितने साल बाद जो है अपनी जिंदगी में वापस। इन आदमियों को देखो ना, टस से मत सोए अगर जरा सा भी, इनको देखो टस से मत सोए। मेरे को और भी कमजोर, कम जोर लग रहा हूं मैं। अच्छा तू इनको कमजोर कहता ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ क्यों, दुनिया सोचते होगी इसका भी खाना नहीं पीनी। भाई ये जिम करने का नतीजा और कुछ। अरे आप कहाँ थी? आप आई थी? आप कहाँ थी? अपनी मायके में इतरा रही है ना दादा, वो स्वर्ग में आ गई। पता नहीं एसी चल रहा है तो एसी तो स्वर्ग ही है ना एक तरह से। ये मेरा भांजा है, ये मेरा चांद का टुकड़ा है। अच्छे से बनाना, मिलेगी वापस। नहीं नहीं, मेरा नाम लगा अभिषेक। आज 28 था तो गाइस आज पोलियो पिलाई गई है कृषा को, और कृषा को पोलियो का ये रहा चिन्ह। अभी अब जो है मेरी बेइज्जती हुई है, मतलब मैं जहाँ जाती हूँ ना अपना बच्चा लेके, दुनिया से मुंह पे सीधा बोलती है कि पूरा पूरा बच्चा जो है वो सही बात। तो अब तो थोड़ी आदत हो गई है अब तो ठीक है। आप जब सभी कह रहे हैं अनूप सी, अनूप जैसी है, माय गॉड। पति लोग कहीं भी जाए ना अपना क्रिकेट मिस नहीं करते, क्रिकेट देख रहा है। खाना सेट हो चुका है। पति देव भगवान करे क्रिकेट जो है इस दुनिया से खत्म हो जाए। आईपीएल का फाइनल है। अरे काहे का आईपीएल, पैसा देता है मुझे आईपीएल। अरे बारिश आ गई, बारिश आ गई। क्या टपकी, हम लोग चले जाए फिर अपने घर चले जाए, छोड़ के चले जाए इसको। संभालूंगी और फिर स्कूल जाओगी तो कौन संभालेगा इसको? साथ में ले जाओगी तो वहाँ पे अगर तुम्हारे मैम ने तुम्हें पकड़ लिया, नहीं बच्चा अलाउड नहीं है, फिर बैग में छुपा के रख लूंगी। मैं आई थी तो गाइस मैं बोलना भूली, हम ना कुछ लेकर भी आए यहाँ पे ना, हम लोग जब यहाँ पे पहुंचे तो कोई दुकान दिखी नहीं, तो हम कुछ लाए नहीं बच्चों के लिए। नाना जी ये तुम्हें यार ऐसे कैसे आ गए बदतमीज। नाना जी ये तुम छोटे बच्चे हैं, ये है ना भाई मेरे भूखे बच्चे हैं। ये तो मेरी दोस्त बन गई, ये तो सबकी दोस्त है, तो ये लोग ये सोच रहे किसका हाथ पकड़ेगी। दोनों ने अपनी उंगली दे रखी है और कृषा ने दोनों का ही हाथ पकड़ लिया। कृषा कह रही है मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ, मैं दोनों का हाथ पकड़ूंगी। मिष्टी कह रही है अब देखते हैं अब मेरे और पापा में से किसका हाथ पकड़ेगी। दोनों हाथ देख रही है वो, देखो मिठी की तरफ जा रही खुशी देखो इसकी, इज्जत रख ली कह रही है। मुझे भी करना है, मुझे भी करना है।
कैसे ऑन करते हैं पापा को फ्लैश ऑन करने भी नहीं आती। हेलो गाइस, यहाँ मैं ग्रियाना व्लॉग्स की भी शूटिंग कर रही हूँ और मैं कांचनु व्लॉग्स की शूटिंग कर रही हूँ। आइए, हम भैया के ऊपर वाले कमरे में आए हैं ऐसा लग रहा है हम रेंट पे घर देखने आए हैं और भाई हमें समझा रहे हैं। भाई साहब जी, सीलन मिलन तो नहीं आएगी ना? नहीं, सीलन नहीं आएगी। अच्छा, भाई साहब जी रेंट ज्यादा बता रहे हैं। रेंट खुद ही बोल रहे हैं ज्यादा। भाई साहब जी रेंट तो देखिए ज्यादा है। देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे 3 बच्चे हमारे, 2-3 बच्चे। ये देखो, ये है फूफा जी। तो पहले हल्की थी, बड़ी हो गई। बड़ी हो गई है, गोल घुमा दो इसको, गोल घुमा दो। मौसा के गोद में तो तुम आराम से रहते हो। मौसा नहीं हो तुम, फूफा हो। थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी तुम्हारा जीजू आया बेटा, मुझे लगा भरपूर फायदा ले लिया हमने, खूब सारी रील्स बनाई है। इसके लिए आपको जरूर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाना चाहिए, इनके भी इंस्टाग्राम की यही डालेंगे और हमें टैग करेंगे, तो प्लीज आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए। और मौसा जी ने हमारा व्लॉग दिखाई दिया फाइनली। अले तो कितने चाले चाले पैसे मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं हमें। हंस गई ताल लग चुका है, कोई हमें जाके देगा नहीं। ताला लगा दिया, ताला लगा दिया। ये बच्चा नहीं दे रहे हमारा। मम्मी के पीछे कुत्ते पड़ गए। छना छना बाबू, प्रेशर है, टॉयलेट कर दिया मेरे ऊपर। एक्चुअली हमने अभी भी डाइपर इसका उतारा क्योंकि थोड़ा हैवी हो गया था, हम डाइपर ज़्यादा पहनाते नहीं है, कहीं बाहर जाएं तभी पहनाते हैं। जैसे ही मैंने डाइपर उतारा वैसे ही मैडम ने मेरे पे छुछू कर दिया। सो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। कृषा उठ चुकी है। किचू कहाँ घुमा कल के आया मेरा बाबू, कहाँ घुमा कल के आया मेरा कुट्टू पुट्टू। मुँह कर गया था दिखाना। कोई है हमारे लिए जगह हुआ प्राणी? अंधेरा कर रखा है क्या? तो गाइस कृषा अपने दादू के पेट पे बैठ चुकी है, हम लोग यही व्लॉग एंड करेंगे। ये खेलेगी थोड़ी देर। यहाँ पे हमारी नाइट ड्यूटी अभी भी स्टार्ट हुई है। सही कह रही। ये अभी पापा बेटी बात कर रहे हैं, रात के बज रहे हैं 2। उसके बाद और ये अभी चलेगा, ये फिलहाल चलेगा, सुबह 7-8 बजे तक चलेगा। तो अपनी वीडियो यहीं एंड करते हैं। आप क्या ही करेंगे हमारी पर्सनल बातें बाप बेटी ही सुनकर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल विच इज आकांक्षा अनूप ब्लॉग्स।